दिव्यांकर के पास चलते हैं। दिव्यांकर, दिखाइए जरा दिल्ली की क्या तस्वीरें आ रही हैं आपके पास। चले जी जी बिल्कुल प्रीति, देखिए 7 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को हराया है और बड़ी जीत हासिल की। क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर, आप देख पाएंगे मेरे पीछे जो भारतीय प्रशंसक है वो किस तरह से जश्न मना रहे हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ इनका कहना है इस जीत के बारे में। जी क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में? भारत की जीत तो निश्चित ही थी, भारत की जीत निश्चित थी। आज चाहे सामने पाकिस्तान की टीम होती या कोई और टीम होती, भारत की जीत निश्चित थी। ये वर्ल्ड कप हमारा है। पाकिस्तान जैसा देश जो अपनों से हारा हुआ है, अपनी बेरोजगारी से नहीं लड़ पा रहा, भुखमरी को नहीं बचा पा रहा, उसका मुकाबला भारत से क्या? वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। जी देखिए, शानदार जीत है हमारी और बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में हमने परफॉर्म किया है और यही उम्मीद रहेगी कि इंडिया ये वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रहे और जीत के जाए हम ये वर्ल्ड कप। हौसले बढ़ते जा रहे हैं फैंस के, क्योंकि 3 जीत लगातार आ चुकी है 2023 के इस वर्ल्ड कप में। अपने घर पर, अपने मैदानों पर टीम इंडिया ये जीत दर्ज कर रही है, लेकिन ये सिलसिला बरकरार रखना है। रिया का रुख कर रही हूँ जो नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, आपके साथ जो फैंस है उनसे बात कीजिए, दिखाइए वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी प्रीति, ये जो मुकाबला, ये हाई वोल्टेज मुकाबला जो हुआ तो अहमदाबाद में है, लेकिन पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी है उसके जोश को इस मुकाबले ने चार्ज कर दिया है। हम नोएडा में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं और जोश जो है वो हाई है। ढोल बजाकर सेलिब्रेशन की जा रही है, भारत माता की जय का उद्घोष यहाँ पर है और लोगों का जोश, जश्न जो है वो देखते ही बनता है। खुशी की एक लहर जो है इस मैच के बाद यहाँ पर देखते बनती है। रोहित शर्मा का जो हिटमैन अवतार था, लोग उसके फैन हो गए हैं और आप देखिए बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। खुशी की, जश्न की लहर जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला जिसने पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो फैंस हैं, उनके जोश को हाई कर दिया है, चार्ज कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर लोग किस कदर खुश हैं, इंडिया इंडिया के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और लोगों की खुशी, लोगों का जुनून जो है वो देखते बनता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में जीत का शोर मच रहा है, वहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सन्नाटा है। पूरी सुन्न पड़ गई है पाकिस्तान की जनता, क्योंकि उन्हें नहीं पता किस तरह से अपनी टीम की आज की परफॉर्मेंस को रेट किया जाए। मैं चंडीगढ़ का रुख कर रही हूँ जहाँ से सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, आप भी दिखाइए, तिरंगा तो आपके पीछे नजर आ रहा है मुझे, लेकिन आज खूब रोहित शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से जोश फूंक दिया है भारतीय फैंस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय फैंस में जोश फूंक दिया है। भारतीय टीम ने जिस तरह से हराया है पाकिस्तान को एक तरफा मैच में, भारतीय टीम के फैंस हैं चंडीगढ़ में पूरा एंजॉय कर रहे हैं इसको। क्या कहना चाहेंगे भारत की जीत पर, एक तरफा जीत हुई है? भारत सबसे आगे था और है और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, था और रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जीत है, मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की बहुत ही अच्छी जीत है और हम पहले से हमें जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।